चलिए तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के प्रोग्राम में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि आज की आपकी जो पेपर में दैनिक भास्कर में खबर आई है उसके बारे में चर्चा करने आ रहे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, बता दूं कि आज की जो खबर की डेट क्या आपकी 18/1/2024 की भोपाल की है, याद रखिएगा। और आज ही एक न्यूज निकली है, ठीक है, याद रखिएगा, एक खबर निकली किसमें, आपके दैनिक भास्कर में। आपको बता दूं कि दैनिक भास्कर हर दिन कवर करता रहता है क्या आपका, आप ESB आपके PSC के बारे में हर दिन कवर करता रहता है, कौन सी रिजल्ट कब निकले, कैसे निकले और किस फॉर्मूले में निकालने की सोच रहे हैं, निकालेंगे भी नहीं निकालेंगे, ये सब चीजें चलती रहती है। तो ये कुछ निकाला गया है तो एक बार देख लीजिएगा। देखिए क्या कहना है, ESB कहना, ESB ने 7 महीने से 6 परीक्षाओं के रिजल्ट जारी नहीं किए हैं, 15 लाख विद्यार्थी अधर में। ठीक है, पहले से पहले हम लोग पहले बात कर लेते हैं MPPSC की, इसके बाद फिर बात करते हैं कि इसके हम लोग रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, और ओवरऑल कितने कितने लोग होने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश लोकसभा PSC और UPSC लगातार विभिन्न परीक्षाएं भी आयोजित कर रहे हैं, इंटरव्यू भी हो रहे हैं और रिजल्ट भी घोषित कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी मंडल ESP पिछले 7 महीने से प्रमुख परीक्षाओं के परिणाम ही घोषित नहीं किए, कोई नई भर्ती परीक्षा आयोजित करना तो दूर की बात है। ESP ने पिछले साल 2023 मार्च और अप्रैल में पटवारी परीक्षा का आयोजन किया था, इसके बाद पटवारी परीक्षा का रिजल्ट जुलाई में घोषित भी किया, लेकिन इसका रिजल्ट भी विवादों से घिर गया और बाद में इसकी नियुक्ति भी होल्ड कर दी गई। इधर 6 अन्य बड़ी परीक्षाओं का रिजल्ट ही ESV ने घोषित किया है। इन परीक्षाओं में लगभग 15 से ज्यादा लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, इनमें वन रक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, कांस्टेबल ग्रुप 4 और ग्रुप 5 की भर्ती शामिल है। ठीक है, मतलब ये आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार आपका दैनिक भास्कर पर डे आपका हर चीज कवर कर रही है कि कितनी परीक्षाएं आपकी, कितनी परीक्षा होल्ड कर रही है, कितनी परीक्षा के अभी एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आई। तो इसका सबसे अच्छी बात आपको ये इसका पॉजिटिव साइन होना चाहिए, और दूसरी बात आपको होना चाहिए कि जितना लोग आप लोग अपनी बातें उठा रहे हो तो आप लोग उठाते रहे, इसी प्रकार आपकी जो कवर है, आपकी जो कौन सी मीडिया आपकी जो कह सकते हैं, आपकी कह सकते हैं नेशनल मीडिया, नेशनल न्यूज अखबार कह सकते हैं, कौन सा आपका आपका दैनिक भास्कर, ठीक है। और क्या कहना है, तो याद रखिएगा, अब PSC परीक्षा जल्द होगी तो परीक्षा ये तो जल्द होने की बात की जा रही है। ठीक, जैसे कि कराधान सहायक परीक्षा 25 फरवरी को, राजभवन सेवा परीक्षा 25 फरवरी को, राजमुख की सेवा आपकी 16 से 11 वही, और असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 जून और सहायक संचालक का 16 जून और राजमुख सेवा परीक्षा 2024 का 22 से 27 जून। अब क्या कहना है, PSC आयोजित कर रही परीक्षाएं एक और, जहां ESV रिजल्ट और परीक्षा नहीं ले रही, वहीं MPPSC परीक्षाओं के आयोजन के साथ ही रिजल्ट भी घोषित कर रहा है। UPSC की भी परीक्षा हो रही है और परिणाम घोषित हो रहे हैं, मतलब इसका कहना मतलब है कि जिस तरह आपकी MPPSC भी एक संस्था है, आपकी UPSC भी एक संस्था, वो आपकी एग्जाम कंडक्ट करा रही और सही टाइम पर अपना रिजल्ट जारी कर रही है। ठीक है, अब क्या कहना है ESV का इस पर, तो रिजल्ट कब आएगा नहीं पता, इसका कौन कह रहा है, तो ESV के अधिकारी का यह बताना कि स्थिति में नहीं है कि रिजल्ट कब घोषित करेंगे। PSC की तर्ज पर ESV भी 87:13:13 का फॉर्मूला लागू करने पर विचार चल रहा है। क्या कर रहा है, विचार चल रहा उनका, लेकिन इस फैसले में भी देरी हो रही है। उनका कहना है कि भैया हम PSC जैसे 87:13 में धम भी देने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या किए हैं, हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो किसका कहना, तो कहना ESV अधिकारियों का कहना कि भैया हम लोग सोच रहे हैं कि PSC जिस तरह आपका रिजल्ट जारी कर रही है उस तरह से हम लोग भी शुरू कर रहे हैं 87:13 पे, लेकिन इसमें भी हम लोग क्या सोच रहे हैं, देरी बना के बैठे हुए कि हम सोचेंगे बढ़िया उठकर, अभी जब जैसे मैं उठकर सोकर उठा हूँ, ठीक है, इसी प्रकार आपका ESV भी सोकर उठेगा बढ़िया। पहले समझेगा कि 87:13 होता क्या, किस प्रकार बताओ कि देख, जब रिजल्ट जारी करेगा भी तो उल्टा कर देगा जारी, देखिएगा आपको ना ESV। ठीक, चलिए और बाकी देख लेते हैं। अभ्यर्थियों के ओवर एज होने की नौबत आ गई, ESV द्वारा घोषित परिणाम घोषित न किए जाने से नाराज अभ्यर्थी सोशल मीडिया में सहित विभिन्न जिलों में आंदोलन भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखिए मैंने आपसे पहले बोला था सोशल मीडिया का पावर आपको देखेगा, आज जिक्र आपका यहाँ हुआ। ठीक है, सोशल मीडिया पर बच्चे क्या नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं, ठीक, क्या दिखा रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये होती है सोशल पावर पे, जो ट्विटर कैंपेन आप लोग चला रहे हैं बहुत अच्छे चल रहा है आपका। ठीक है, ESV द्वारा परिणाम घोषित न किए जाने से नाराज अभ्यर्थी सोशल मीडिया सहित विभिन्न क्षेत्र जिलों में आंदोलन भी कर रहे हैं। कई बार ESV का घेराव भी किया जा चुका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वैसे भी ESV परीक्षाएं समय से आयोजित नहीं हो पाती, अब अभ्यर्थी ओवर एज होने की स्थिति में है। रिजल्ट का इंतजार करने वाले मोहनीश कुमारावत ने बताया कि 7 महीने से इंतजार में रिजल्ट नहीं आ पाया, इस वजह से वह अब खुद का काम शुरू किया है। गौरतलब की गौरतलब भर्ती परीक्षा में करीब
12 लाख 42 शामिल होते। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की सीमा की वजह से उनके पास मौके बहुत कम बचे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये किसका काम, ये आपका दैनिक भास्कर ने आज के भी आज की डेट के 18 तारीख के सुबह सुबह मैंने जैसे न्यूज़पेपर खोला सबसे पहले यही देखने को मिला और बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस तरह लगे रही, मैं देखिए वीडियो बनाने के मेन मोटिव क्या है मेरा कि आप लोग इसी तरह अपना क्या मोटिव लग रहे हैं, अपना जो ट्विटर कैंपेन अपना चलाते रहे कि हर आपका हर मीडिया हर अखबार हर चैनल आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन आप लोग अपना करते रहे। ESV को जगाना पड़ेगा चाहे कैसे भी करो। ठीक, इसे इतना मतलब कह सकते हैं निर्लज्ज हो चुका है, क्या होता है आपका ESV संस्था, मतलब एक मात्र शर्म बची नहीं है उसके अंदर कि भैया रिजल्ट जारी कर दिया, किस जैसे कर दिया 87-13 में कर दे, चाहे कैसे भी जारी कर दे, कि जारी कर दे। अब क्या चाह रहा है कि सब बच्चे क्या ओवर एज हो जाए धीरे धीरे, यहाँ किसका कहना है, सिंपल सा कहना किसका। इसी प्रकार आपको देख लीजिएगा PSC का भी संस्था जो कि चलिए रिजल्ट कराते रिजल्ट परीक्षा कराती है, रिजल्ट जारी कर देती है, जैसे UPSC कराती है, SSC कराती है, ये सब संस्था के संस्था भैया। ESV ऐसे कौन सी संस्था आ गई है, ESV ऐसे कौन सी संस्था भैया जो एग्जाम करा लेती है, 1-1.5 साल बाद रिजल्ट देती है, अब फीस तो ले देती है 5-5, 6-6 सौ। अच्छा आपकी SSC बेचारी 100 रुपीज देती, मतलब 100 रुपये लेती है आपकी SSC और पूरा एग्जाम कंडक्ट करा के पूरा एग्जाम पूरा फाइनल सिलेक्शन दिलवा देती है। लेकिन हमारी ESV ऐसी संस्था है जो 600-700 रुपये भी वसूलती है हम लोगों से, 600-700 रुपये पर एक चीज पर उसमें आप देखते होंगे पर फॉर्म में, और फिर इसके बाद भी उनका नहीं हो पाता, उनका कहने का हमारा बजट कम हो जाता है, हमारे कर्मचारियों के पास पैसे नहीं है, हमारे कर्मचारियों को पैसा इतना लग रहा है। किस चीज का पैसा आपको लग रहा है, आप ऑलरेडी बच्चों से एक बच्चे से आप लोग अगर आप लोग 600 रुपए में ले रहे हो तो कितना आप लोग लेंगे, मतलब 12 लाख लोग 25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, कितना करोड़ लोग आपके पास पैसे पहुंच जाते होंगे। आप लोग एक एग्जाम से ऐसे कंडक्ट नहीं करा सकते और सही ढंग से आप लोग एक रिजल्ट जारी नहीं कर पाते। तो यही सब चीज कहना था किसका, आपका ESV आपका दैनिक भास्कर का। ठीक है, जो कि सुबह की न्यूज है आपकी, एक बार देख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन तक जो सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है। क्यों सोशल मीडिया में एक्टिव, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ESV द्वारा घोषित न किए मैं सोशल मीडिया पर, कहाँ पर आपका तो सोशल मीडिया पर नाराजगी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि आप सोशल मीडिया में जितना ज्यादा आप लोग एक्टिव रहेंगे तो उतना ज्यादा आपको कवरेज मिलेगी। ठीक है, चलिए बहुत बड़े गुड मॉर्निंग दीपक कुशवाहा जी, कॉमेडी किंग त्रिपाठी जी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।